हेलो स्टूडेंट, आज हम बी एड सेकेंड ईयर के एक विषय वैल्यू एजुकेशन के अंतर्गत एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे और टॉपिक का नाम है मापन एवं मूल्यांकन के उद्देश्य। ठीक है कि मापन और मूल्यांकन के क्या उद्देश्य रखे गए हैं और किस कारण से मापन और मूल्यांकन आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक बिंदु पे। मापन और मूल्यांकन का सबसे पहला उद्देश्य है विद्यार्थियों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना। आप देखते हैं कि बहुत सारे बालक जो होते हैं शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से पूर्ण रूप से वृद्धि एवं विकास प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा का दायित्व तो यही माना गया है कि जो 0 से 12 वर्ष तक के बालक हैं, विशेष रूप से 0 से 12 वर्ष तक के जो बालक हैं विशेष रूप से, उनके शारीरिक विकास, ठीक है, और मानसिक विकास को समग्र रूप से विकसित कराने का प्रयास किया जाना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। और इसके लिए भी मापन और मूल्यांकन को अपनाया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो विद्यार्थियों की वृद्धि यानी शारीरिक वृद्धि और विकास, मानसिक विकास की सहायता करना। शारीरिक विकास भी जरूरी है, शारीरिक वृद्धि भी जरूरी है और मानसिक वृद्धि और मानसिक विकास भी जरूरी है। तभी तन और मन जब तक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा, सुगठित नहीं होगा, तो जो विद्यार्थी का एक शैक्षिक स्तर है उसको वो कैसे प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, दूसरा एक प्रमुख पॉइंट इसके अंतर्गत है विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना। विद्यालय में शिक्षक के द्वारा विद्यार्थी ने क्या सीखा सबसे पहले तो, और किस रूप में सीखा, इसकी जांच करना परमावश्यक होता है। तो मापन एवं मूल्यांकन के द्वारा विद्यार्थी द्वारा सीखे गए, अर्जित किए गए ज्ञान को देखा जाता है कि वो उसने ज्ञान के किस के ज्ञान को किस तरह से सीखा है, क्या सीखा है और किस रूप में वो व्यवहार करेगा, इसके बारे में भी जानकारी जुटाई जाती है। ठीक है, तीसरी बात है विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों को जानता। बहुत सारे विद्यार्थियों की, चाहे वो छात्र हों या छात्राएं हों, उनकी अपनी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उनमें से होती हैं सबसे पहले तो पारिवारिक समस्याएं, ठीक है, दूसरा होती है सामाजिक समस्याएं, तीसरी हो सकती है आर्थिक समस्याएं, चौथी हो सकती है शैक्षिक समस्याएं। इसके अतिरिक्त उनकी शारीरिक और मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं। इतनी सारी समस्याएं तो एक विद्यार्थी में हो ही सकती हैं, तो किस समस्या से कोई विद्यार्थी पीड़ित है या उसके किस समस्या के कारण किसी छात्र या छात्रा के शैक्षिक स्तर में उत्थान नहीं हो पा रहा है, वो पीछे चला जा रहा है, तो विशेष रूप से इन सभी की जांच की जाती है कि कौन सी समस्या होने के कारण विद्यार्थी उचित रूप से शिक्षा में अपनी सहभागिता नहीं दे पा रहा है और विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति में बाधक समस्याओं को जानकर, तत्वों को जानकर उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। चौथी बात है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करना। देखिए, बहुत एक तो बात आती है कि किसी भी व्यक्ति की प्रकृति कैसी होती है और एक बात होती है किसी व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग प्रकृति, मानव प्रकृति और अलग अपना मानव व्यवहार होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने आप को दूसरों के सामने प्रदर्शित करता है। तो हमें प्रत्येक व्यक्ति की, या कहें कि बालक या बालिका की, उसकी मानव प्रकृति और मानव व्यवहार को जानने का प्रयास करना चाहिए और ये जानकारी मापन और मूल्यांकन के उद्देश्यों में शामिल की जाती है। इससे क्या होता है कि हम प्रत्येक बालक की व्यक्तिगत भिन्नता, या एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी गुणता को जान पाते हैं और हम दूसरे विद्यार्थी से जब उसकी तुलना करते हैं तो उस समय विशेष रूप से ये काम आती है।
और इससे ये भी पता चलता है कि वह शैक्षिक स्तर में किस स्तर तक प्राप्त अपने आप को पहुंचा सकता है, और उचित रूप से किसी भी शैक्षणिक विधि का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसमें भी इस जानकारी से बहुत अधिक लाभ होता है। अगली बात है विद्यार्थियों में प्रतियोगिता की भावना का विकास करना। मापन और मूल्यांकन के परम उद्देश्यों में से एक उद्देश्य ये भी है। आज का जो समय है वो प्रतियोगिता का समय है। आज आप देख रहे हैं कि लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी ना किसी कारण से वो असफल हो जाते हैं और उनको अच्छी सरकारी या प्राइवेट जॉब नहीं मिल पाती है, और जिस तरह का उनको जॉब मिलना चाहिए या मिल भी पाती है जॉब तो वो उनके लेवल की नहीं होती है, या तो उनके लेवल से बहुत ऊंची होती है या उनके लेवल से बहुत नीची होती है, जो भी उनकी शारीरिक या मानसिक क्षमता है उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिल पाती है, या जिस काम में वो अग्रणी हैं अच्छे हैं उस तरह की जॉब नहीं मिल पाती है, बल्कि किसी और क्षेत्र में वो अपनी सेवा दे रहे होते हैं। तो विद्यार्थियों में प्रतियोगिता की भावना का विकास करते हुए उनमें उनकी प्रतियोगिता करने की एक कला का विकास किया जाता है, साथ ही साथ उनकी किस क्षेत्र में रुचि है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है, ताकि उनको उचित जो कहते हैं निर्देशन प्राप्त हो जाए और जिस फील्ड में वो अच्छे हैं, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उसमें ही उनको प्रतियोगिता की तैयारी कराई जाए। विद्यार्थियों की कमियों तथा कठिनाइयों को जानना और उनका निवारण करना। सबसे पहले विद्यार्थी में कौन कौन सी कमियां हैं, शारीरिक रूप से कौन सी कमी है, मानसिक रूप से कौन सी कमी है और शैक्षिक रूप में कौन सी कमी है, उसको जानने का प्रयास किया जाता है मापन और मूल्यांकन के द्वारा। इसके बाद विद्यार्थियों की शैक्षिक जो एक कठिनाई है उसको जानने का भी प्रयास किया जाता है, और इसके बाद उन शैक्षिक कठिनाइयों को भी दूर करने का प्रयास, हल करने का प्रयास किया जाता है। अगली बात है विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया हेतु प्रेरित करना, यानी विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सीखने की ओर प्रेरित करना। अधिगम कब होगा, जब विद्यार्थी किसी भी चीज को सीखेगा, तो इसके लिए विद्यार्थियों को स्वयं करना, क्रिया द्वारा सीखना और स्वयं अपने अनुभव द्वारा सीखना जैसी चीजें शामिल की जाती हैं, यानी विद्यार्थी को स्वयं ही किसी क्रिया को करने दिया जाता है और फिर उससे उसको जो अनुभव होता है उससे विद्यार्थी सीखता है, अपनी गलतियों को जानता है और अपनी गलतियों को सुधारता है और फिर पुनः उस कार्य को करता है, तब तक करता है जब तक वो कार्य सही तरीके से पूर्ण ना हो जाए। तो ये मापन और मूल्यांकन के 7 प्रमुख उद्देश्य माने गए हैं। पहला उद्देश्य विद्यार्थियों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करना। दूसरा उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करना। तीसरा उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों को जानना। चौथा उद्देश्य है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करना। पांचवा उद्देश्य है विद्यार्थियों में प्रतियोगिता की भावना का विकास करना। छठवां उद्देश्य है विद्यार्थियों की कमियों तथा कठिनाइयों को जानना और उनका निवारण करना। और सातवां उद्देश्य है विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया हेतु प्रेरित करना। तो इन सभी 7 उद्देश्यों के द्वारा मापन और मूल्यांकन को समग्र रूप से छात्रों और छात्राओं के ऊपर अप्लाई करने का प्रयास किया जाता है। तो मापन और मूल्यांकन के जो उद्देश्य हमने सामने रखे हैं, इनकी इनसे क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि मापन और मूल्यांकन के उद्देश्यों से लाभ क्या होता है। एक तो देखिए विद्यार्थियों की शारीरिक वृद्धि, शारीरिक विकास और मानसिक विकास में बढ़ोतरी होती है, जिससे कि आगे चल के उनका शैक्षिक जीवन और जो सामाजिक जीवन है वो अच्छा बनता है। दूसरी बात है विद्यार्थियों द्वारा अर्जित ज्ञान की जांच करने से हमें विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर का पता चल जाता है कि वह उसका शैक्षिक स्तर क्या है। तीसरी बात है विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति में बाधक तत्वों को जानने से हम उचित रूप से बालक को निर्देशित कर पाते हैं, निर्देशन दे पाते हैं, जिससे बालक अपनी शैक्षिक योग्यता को और भी बढ़ा पाता है और उसकी सीखने में आने वाली जो कठिनाई होती है वो दूर हो जाती है।
जब हम किसी विद्यार्थी की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो इससे शिक्षक प्रत्येक बालक से ठीक प्रकार से कनेक्ट हो पाता है, जुड़ पाता है और उसकी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उसके साथ व्यवहार करता है और उसको सिखाता है। अगर हम प्रतियोगिता की भावना के विकास के बारे में बात करें तो जब बालक में प्रतियोगिता की बात आती है तो वह सही तरीके से भी और गलत तरीके से भी काम कर सकता है। तो हमें इस तरह की भावना का विकास विकसित करना है कि विद्यार्थी सही तरीके को अपनाए, सद्गुणों को अपनाते हुए दूसरे विद्यार्थी से कंपटीशन करे, गलत भावनाओं को नहीं, गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से फाइट करना चाहिए उसे प्रतियोगिता परीक्षा में, ठीक है। और विद्यार्थियों की कमियों को जानते हैं जिससे क्या होता है कि हम शिक्षक और विद्यार्थी में जो कनेक्शन होता है, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट होता है, सामंजस्य होता है, वो ठीक प्रकार से बन पाता है। और जब हम उसकी कठिनाइयों को जानते हैं तो निश्चित रूप से शैक्षिक बाधाओं को हम दूर कर पाते हैं और उनका निवारण करने से विद्यार्थी का शैक्षिक स्तर ऊंचा होता है। और अंतिम बिंदु है विद्यार्थियों की अधिगम प्रक्रिया को प्रेरित करना। तो विद्यार्थी की शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि और शैक्षिक वृद्धि, तीनों प्रकार में वृद्धि करने के लिए ही हम विद्यार्थी को उन तरीकों से पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि वह तरीके उसकी अधिगम प्रक्रिया में और भी अधिक प्रेरित हो, प्रेरणा का कारण बने, ठीक है। यानी उसकी अधिगम प्रक्रिया को वृद्धि करें, उसकी अधिगम को बढ़ा दें, ठीक है। थैंक यू।